हेलो व्यूज़, ये हमारा पहला लेक्चर है और इसमें मैं आपको सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन के कोर्स के बारे में बताऊंगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। व्यूज़, आपको तो पता ही है आजकल के दौर में सीसीटीवी कैमरा वक्त की ज़रूरत बन चुका है। इस कोर्स में मैं आपको सीसीटीवी कोर्स के बारे में मुकम्मल गाइड करूँगा। केबलिंग से लेके ऑनलाइन करने तक आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। इस कोर्स को करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपना सीसीटीवी का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं कोर्स आउटलाइन की तरफ। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू DVR, जिसमें एक मुकम्मल वीडियो होगी और उसमें बताया जाएगा कि DVR की पोर्ट्स कौन कौन सी होती हैं, BNC कनेक्टर्स किधर लगते हैं, RDO पोर्ट्स, वीडियो पोर्ट्स के बारे में बताया जाएगा, ईथरनेट केबल के बारे में, पावर अडाप्टर के बारे में बताया जाएगा, VGA पोर्ट के बारे में और USB पोर्ट, सारा कुछ बताया जाएगा कि इनकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। उसके बाद आ जाती है DVR सेटिंग। DVR की सेटिंग में सबसे अहम चीज़ नेटवर्क के आप अपने DVR को नेटवर्क के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और नेटवर्क से कनेक्ट करने के बाद आप कहीं से भी आप फिर अपने DVR को एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट में कहीं भी बैठ के। उसके बाद आ जाता है जी रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में आ जाता है कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग किस किस टाइम करना चाहते हैं, शेड्यूल रिकॉर्डिंग शेड्यूल मतलब कि शेड्यूलिंग कर सकते हैं आप रिकॉर्डिंग की। उसके अलावा आप पुराने डाटा को ऑटो डिलीट भी कर सकते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। यूज़र कैसे बनाए जा सकते हैं वो भी बताया जाएगा। उसके बाद आ जाता है जी DVR नेटवर्क। एक मुकम्मल वीडियो होगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि DVR को नेटवर्क के साथ कैसे कनेक्ट करना है और फिर आप कहीं से भी आप अपने DVR को एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। इंट्रोडक्शन टू केबलिंग में आपको BNC कनेक्टर्स बनाना सिखाया जाएगा। वैसे तो BNC लीड भी मिलती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है, महंगी हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो हम सस्ता काम करेंगे। RJ59 केबल का नाम है, ये हम यूज़ करेंगे और इसके आगे BNC कनेक्टर्स जो हैं वो लगाएंगे। इंशाल्लाह एक मुकम्मल वीडियो और जामे वीडियो होगी, सारी समझ आ जाएगी आपको कि कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल वर्क होगा सारा। उसके बाद राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन में आपको बताया जाएगा कि राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन क्या रखनी है, बेशक आपका राउटर PTCL का है या कोई और TP लिंक का है या जो भी है, आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मुकम्मल गाइड किया जाएगा। उसके बाद रिमोट व्यू या मोबाइल के थ्रू अगर आप अपने कैमरे एक्सेस करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, मोबाइल की एप्लीकेशन होती हैं उन एप्लीकेशन के बारे में आपको बताया जाएगा और उनका यूज़ करना जो है वो कैसे करते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। उसके बाद NVR नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर है। NVR और DVR में फ़र्क बताया जाएगा आपको और NVR क्यों, इसमें क्या नए फीचर्स हैं, ये सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। वेबकैम एज अ सिक्योरिटी कैम हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक छोटी सी वीडियो बनाई जाएगी और आपको ये बताया जाएगा कि हम वेबकैम को कैसे सिक्योरिटी कैम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। व्यूज़, ये तो था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।